हेलो फ्रेंड्स, ये टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 43 है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3 को पूरा सॉल्व कर लिया है और एक्सरसाइज 3 में जितने भी हमारे क्वेश्चन थे इन सभी क्वेश्चनों को हमने एक एक करके सॉल्व कर लिया। इसमें हमारी नॉर्मल एंट्री थी, नॉर्मल एंट्री को भी हमने सॉल्व किया और इसके साथ साथ हमने परचेस एंट्री और सेल एंट्री को भी सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने देखा है कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, इन सभी चीज़ों को हम टैली में किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसमें हम जीएसटी किस तरीके से लगाते हैं और हम टैली में परचेस एंट्री और सेल्स एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमने एक्सरसाइज 3 सॉल्व की थी उसकी रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं और उसके साथ साथ टैली में हम ये भी देखेंगे कि हमारे स्टॉक में कितना माल लगा हुआ है और कितना माल हमने बेच दिया है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो इस तरीके से हम आज की इस वीडियो में रिपोर्ट चेक करेंगे, यानी कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे कि हमारे बिजनेस में कितना माल बचा हुआ है और कितना माल हमने बेच दिया। तो चलिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3 की रिपोर्ट चेक करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है और EX3 नाम की जो कंपनी यहाँ पर बनी है यही कंपनी है जिसमें हमने एक्सरसाइज 3 की सारी एंट्रियाँ कंप्लीट की हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल यहाँ पर हम डे बुक और ट्रायल बैलेंस देखते हैं, जिसको आप लोग आसानी से चेक कर सकते हो। तो डे बुक देखने के लिए यहाँ पर हम डे बुक पर क्लिक कर देंगे और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितनी भी एंट्रियाँ हमने की थी सारी एंट्रियाँ यहाँ पर हमारी शो हो रही हैं, जिसमें हमने परचेस की एंट्री भी की थी और यहाँ पर हमने सेल्स की एंट्री भी की थी। तो ये हमारा डे बुक है, आप लोग इस तरीके से डे बुक को देख सकते हो कि कौन सी एंट्री हमने कब की और उसमें कौन सा वाउचर लगाया, कितना अमाउंट डेबिट में है, कितना अमाउंट क्रेडिट में है। ये तो नॉर्मल हमारी रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यहाँ से हम डे बुक देख सकते हैं। अगर हमें ट्रायल बैलेंस देखना है तो उसके लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर क्लिक कर देना है और ऊपर हमको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस पर हम क्लिक कर देंगे और हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे और पूरी तरीके से हमारा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस फुल डिटेल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट में हमारा अमाउंट कितना है, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, यानी कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं और सेल्स अकाउंट देख सकते हैं कितना सेल किए हैं और परचेस अकाउंट देख सकते हैं कितना हमने आइटम परचेस किया है। तो ये तो हमारी नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको हम कई स्टडी वन में कई बार सॉल्व किया, नॉर्मली आप लोग इसको सॉल्व ही कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है हमारा स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे का एक ऑप्शन मिलता है स्टॉक समरी का। अगर हम स्टॉक देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना माल लगा हुआ है और कितने आइटम लगे हुए हैं और उनको हमने कब बेचा, कितना आइटम बेच दिया और कितना आइटम हमने खरीदा था, तो ये सारी चीज़ें हम स्टॉक में देख सकते हैं और कोई भी काम हो हम स्टॉक से रिलेटेड यहीं से रिपोर्ट चेक करते हैं। तो स्टॉक देखने के लिए हमको यहाँ पर स्टॉक समरी पर क्लिक कर देना है। जब हम स्टॉक समरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा डाटा दिखाई दे रहा है ये ग्रुप वाइज दिखाई दे रहा है। आप लोगों को पता होगा कि हमने स्टॉक ग्रुप बनाया था, अभी ये शॉर्ट में है। अगर इसको फुल डिटेल में देखना है तो अल्ट के साथ ही F1 बटन प्रेस कर देंगे, हमारा यहाँ पर जो भी स्टॉक ग्रुप है बिल्कुल फुल डिटेल में आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा जो हमने स्टॉक ग्रुप बनाए थे उसमें हमने एक GPU का बनाया था, एक हमने मदरबोर्ड का बनाया था और एक हमने SSD का यहाँ पर बनाया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो GPU जो हैं यहाँ पर दो GPU हमने खरीदे थे, एक हमने GPU 2GB आसूस कंपनी का खरीदा था और एक हमने 4GB का GPU खरीदा था। और यहाँ पर एक क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे स्टॉक में कितना आइटम यहाँ पर बचा हुआ है। नॉर्मली तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर GPU हमारे आसूस के यहाँ पर 3 बचे हुए हैं, यहाँ पर रेट भी दी गई है और कितना रेट का भी माल यहाँ पर GPU लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, जैसे GPU आसूस का यहाँ पर 11,400 का लगा हुआ है, इसी तरीके से GPU 4GB का है जो 8 यूनिट लगे हुए हैं और यहाँ पर रेट लगी हुई है और 66,400 का हमारा GPU लगा हुआ है। अगर ग्रुप की बात करें तो GPU टोटल हमारा 77,800 का माल लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, मदरबोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, SSD यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर यही चीज़ हमको
आइटम वाइज देखनी हो, क्योंकि यहाँ पर तो हम ग्रुप वाइज देख रहे हैं, अगर हमको स्टॉक आइटम वाइज देखना हो केवल आइटम कि आइटम कैसे देखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको आना है, जो यहाँ पर पीरियड कंपनी स्टॉक ग्रुप दिया गया है यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉक आइटम वाइज, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप लगा हुआ है जो हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, यहाँ पर जिस भी ग्रुप का डाटा देखना हो क्लिक कर दो, यहाँ से भी उसका डाटा देख सकते हो और यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि किस गोडाउन में कौन सा माल यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे मदरबोर्ड का ग्रुप है, जैसे यहाँ पर MB आसूस का जो है 5-9 लगा हुआ है, किस गोडाउन में है, लखीमपुर में है, और यहाँ से इसी तरीके से हर कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर इसको हमें आइटम वाइज देखना तो यहाँ से हम बैक कर देंगे, बैक करेंगे फिर स्टॉक समरी में आ जाएंगे और यहीं पर हमको स्टॉक आइटम वाइज पर क्लिक कर देना है, तो जितने भी आइटम खरीदें वो सारे यहाँ पर हमारे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम Alt+F1 प्रेस करेंगे, फुल डिटेल में आ जाएगा जितने भी हमने आइटम खरीदे हैं, GPU हमारा 2GB का हो गया, GPU 4GB का हो गया, मदरबोर्ड आसूस का हो गया, एक मदरबोर्ड ASC का हो गया, एक मदरबोर्ड गीगाबाइट का, SSD यहाँ पर दोनों हमारी हो गई हैं, और यहाँ पर एक क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में इतना ही दिखा रहा है कि कितना आइटम हमारे बिजनेस में माल बचा हुआ है। अगर इसको ग्रुप वाइज देखना हो तो यहाँ पर सेम नॉर्मली अभी जो हमने बताया स्टॉक ग्रुप पर क्लिक कर देंगे, स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करके यहाँ से जिस भी ग्रुप का मैटर देखना हो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर स्टॉक ग्रुप वाइज देखना है तो यहाँ से हम स्टॉक आइटम वाइज जहाँ पर लिखा है इसी पर क्लिक कर देंगे तो स्टॉक ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं और इसी पर हम स्टॉक आइटम वाइज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी केवल क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर ये देखना है कि हमने टोटल कितना माल खरीदा था और टोटल हमने कितना बेच दिया है और कितना टोटल माल बचा हुआ है, तो इस चीज़ को अगर देखना है तो नीचे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कॉन्फिगर का, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फिगर का, या फिर कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कर दो, यहाँ से हो जाएगा। तो हम क्लिक करेंगे कॉन्फिगर पर, कॉन्फिगर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिलेगा, एक ऑप्शन हमको मिलेगा शो गुड्स इनवर्ड, इनवर्ड एक आपने मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा शो गुड्स आउटडोर। इनवर्ड का मतलब ये होता है कि हमने अपने बिजनेस में कितना माल खरीदा, टोटल जितना माल खरीदा होगा वो इनवर्ड में हमको शो होगा। अगर हम अपने बिजनेस में कितना माल बेचा है तो यहाँ पर जो आउटडोर है, आउटडोर का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस से माल कितना गया है। तो इन दो ऑप्शनों को हमें यस करना है, तो यस करने के लिए यहाँ पर आएंगे, जो इनवर्ड दिया गया इसी पे हमको डबल क्लिक कर देना, यस हो जाएगा। आउटडोर पर हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ए यस हो जाएगा, और यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस कर देंगे, टोटल यहाँ पर ग्रुप वाइज आइटम दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इनवर्ड का एक अलग पार्ट है और आउटडोर का एक अलग पार्ट है, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो दिया गया एक हमारा इसका अलग पार्ट है। इनवर्ड का मतलब है टोटल हमने माल कितना खरीदा था, आउटडोर का मतलब होता है टोटल हमने कितना माल बेचा, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है टोटल माल हमारे पास कितना बचा हुआ है। तो इनवर्ड में यहाँ पर GPU है, यहाँ पर मदरबोर्ड है, यहाँ पर SSD है। अब यहाँ पर जो GPU है, इनवर्ड में हमने एक GPU जो खरीदा था 2GB आसूस कंपनी का, 6 NOS खरीदे थे यानी कि 6 यूनिट, और जो 4GB गीगाबाइट था हमारा GPU इसको हमने 10 यूनिट खरीदा था। यहाँ पर टोटल रेट दिखाई दे रही है कि कौन सा आइटम किस रेट में था, और यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है, जो GPU है 1,05,800 रुपये का है, और यहाँ पर केवल GPU 2GB की बात करें तो 22,800 रुपये का है, और जो GPU गीगाबाइट का है हमारा 83,000 रुपये का है। तो यहाँ पर इतना माल हमने टोटल खरीदा था, और इतने माल से यहाँ पर जो GPU 2GB का है हमने 3 NOS में बेच दिया, और यहाँ पर जो गीगाबाइट का GPU उसको हमने 2 NOS में, और टोटल हमने 33,600 रुपये का आइटम बेच दिया है। अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग बैलेंस में ये है कि यहाँ पर GPU कितने बचे हुए हैं आसूस कंपनी के, कितने यहाँ पर गीगाबाइट कंपनी के बचे हुए हैं, और टोटल जो माल बचा हुआ हमारा 77,800 रुपये का टोटल माल बचा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में दिया है, ये हमारा जो माल खरीदा गया था टोटल वो माल यहाँ पर है, ये माल जो है इसको हमने जितना बेचा था वो माल है, और यहाँ पर जो हमारा माल दिखाई दे रहा है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है जितना हमारा बचा हुआ है। तो इसको आप आसानी से चेक कर सकते हो, और यहाँ पर हमारा बेचा गया माल है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और टोटल अमाउंट देखना, टोटल अमाउंट यहाँ पर नीचे दिया गया है, 3,76,300 रुपये का माल हमने खरीदा है, 3,76,300 रुपये का माल हमने टोटल इनवर्ट किया यानी कि खरीदा, जिसमें से हमने 1,67,600 रुपये का टोटल माल बेच दिया है,
और जो अभी अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है यानी कि टोटल माल जो बचा हुआ है 2,36,800 रुपये का टोटल माल हमारे पास अभी बचा हुआ है। यहाँ से आप लोग इस तरीके से रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। अब इसमें हमको जानना है कि यहाँ पर जो हमने माल खरीदा था, जो माल हमने बेचा है, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पर F7 शॉर्टकट होती है, F7 प्रेस कर दें या फिर शो प्रॉफिट पर हम क्लिक कर देंगे। जब हम शो प्रॉफिट पर क्लिक करते हैं तो प्रॉफिट भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रॉफिट टोटल कितना हुआ है। तो प्रॉफिट देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का ऑप्शन मिलेगा। इसका काम क्या होता है, जो आउटडोर है, जो हम आइटम बेचते हैं, टोटल आइटम तो हमने इतने बेचे हैं, टोटल इतने आइटम बेच दिए, अब किस आइटम पे अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पर दी गई। यहाँ से हम प्रॉफिट भी देख सकते हैं, टोटल जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, टोटल प्रॉफिट 28,100 रुपये का टोटल प्रॉफिट अभी हुआ है, जितने भी आइटम हमने टोटल यहाँ पर सेल किए। तो यहाँ से तो हम प्रॉफिट देख ही सकते हैं और यहाँ पर किस आइटम पर कितना प्रॉफिट हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर शो हो जाते हैं। आप लोग चेक कर सकते हो एक एक करके, यहाँ से प्रॉफिट देख सकते हैं या फिर इसको हम स्कैप बटन से बैक कर देंगे। और यहाँ पर जब हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं तो नीचे हमको एक ऑप्शन मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्लिक कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब इसको हम फुल डिटेल में देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F4 प्रेस कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरी तरीके से फुल डिटेल में शो हो जाएगा। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये है कि हमने अपने बिजनेस में टोटल कितना माल परचेस किया। तो यहाँ पर जो टोटल हमने परचेस किया है, परचेस अकाउंट में दिखाई दे रहा है 3,76,300 रुपये का टोटल हमने परचेस किया। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है 28,100 रुपये का टोटल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 28,100 रुपये का टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरीके से हम प्रॉफिट देख सकते हैं। और यहाँ पर जो सेल्स अकाउंट है यानी कि कितना हमने माल बेच दिया, जो हमने माल बेचा है यहाँ पर शो हो रहा है 1,67,600 रुपये का माल हमने टोटल बेच दिया है। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में ये दिखाई दे रहा है कि टोटल माल जो है कितना बचा हुआ है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,100 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है। टोटल अभी तक हमने जितना भी माल बेचा है इसमें 28,100 रुपये शो हो रहा है। तो आप लोग यहाँ से इस तरीके से देख सकते हो कि टैली में अगर हमें ये देखना हो कि हमारे स्टॉक में कितना माल बचा हुआ है, कितना माल हमने खरीदा, कितना माल हमने बेच दिया, उसमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि टैली में अगर हमें परचेस अकाउंट या सेल अकाउंट या फिर कोई भी स्टॉक आइटम की रिपोर्ट चेक करना हो तो हम किस तरीके से उस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 3 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल बेसिक से एक एक हमने यहाँ पर एक एक आइटम के बारे में बताया कि स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब एक्सरसाइज 3 तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये हमारी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने बेसिक में समझा है कि अगर हमें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम ये सारी चीज़ें बनानी हो तो हम किस तरीके से बनाते हैं। अब अगले वीडियो से जो कैश स्टडी 2 है ये हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी टोटल प्रैक्टिकल क्लासे होंगी वहाँ पर भी हम इनवाइस जनरेट करना सीखेंगे, वहाँ पर परचेस एंट्री, सेल एंट्री किस तरीके से करते हैं, तो कैश स्टडी 2 में ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।